हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ दो रेसिपी शेयर करूंगी, एक पराठा की एक और रेसिपी शेयर करूंगी, तो वीडियो में बने रहें। मॉर्निंग में लगी हो तेज भूख और खाने का मन करे तो ये वाली पराठा बनाइए। बहुत ही हल्की है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही टेस्टी है और मैंने इसे अलग आटे से लगाया है और इसके अंदर जो फिलिंग डाली है वो बताइएगा किस चीज की फिलिंग है और मैंने इसे किस चीज के साथ परोसा है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब देना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहली चीज आपको लेनी है सूजी। सूजी यानी रवा, ये मोटी पतली कोई भी हो सकती है। मुझे पतली वाली मिली थी तो मैंने वही ले ली। आपको मोटी पतली कोई भी मिल जाए ले लेना है अपने घर के नाश्ते के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पर एक कटोरी से भर के लिया था, मतलब डेढ़ कटोरी मैंने यहाँ पर सूजी लिया है और इसमें मैंने डाल दिया खौलता हुआ पानी। ध्यान रखिएगा, पानी नॉर्मल नहीं होना चाहिए, हल्का गुनगुना नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से खौलता हुआ पानी लेना है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालकर इसका डो लगाना है। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैंने चम्मच से इसको हल्का हल्का मिला दिया है। पानी डालने के बाद फिर से मैंने पानी डाला, थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालें और इसको इस तरह से मिलाते जाएँ। इतना मिलाना है जितने में इसकी बहुत ही प्यारी सी डो तैयार हो जाए और इसे तुरंत ही नहीं गूंदना है क्योंकि गर्म है, हाथ जलेगी। तो बस इतना पानी डाल देना है कि जितने ये पानी पूरे अच्छे से सोख ले बराबर मात्रा में, उतनी पानी आपको डालकर रख देना है थोड़े टाइम के लिए ढककर। थोड़े टाइम बाद फिर से लेना है और जो ये पानी है, ये जो बची हुई पानी है, इस पानी से ही आपको आटा लगाना है। वो पानी ठंडी भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि गर्मी हो दूसरा पानी। कहने का मतलब है कि ये पानी ठंडी भी हो जाएगी तो हल्का गुनगुना करके फिर से इसका डो अच्छे से आटा गूंद लेना है। तो फ्रेंड्स, इसको हल्के टाइम के लिए मैंने सूजी को छोड़ा था और एक कटोरी भर के मैंने पानी लिया था, आपने देखा था, थोड़ी सी मात्रा में बची हुई है हल्के टाइम ढकने के बाद। फिर मैं कुछ टाइम बाद इसको लूंगी और अभी जब तक मैंने और भी तैयारी की थी तब तक ये थोड़ी सी सख्त हो गई है, हल्की सी सख्त हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी सी बढ़ गई है और ये हल्की सी थोड़ी सी ड्राई जैसी हो गई। देखिए, मैं आपको उठा कर दिखा दे रही हूँ, इस तरह की कंसिस्टेंसी होगी, पहले से गाढ़ी हो गई है। हल्के टाइम के लिए फिर से मैं इसे ढक देती हूँ और जब तक इसके अंदर जो फिलिंग मैं डालूंगी उसकी तैयारी कर लेती हूँ। तो जब तक ये सेट होती है मैं आपको आगे बता दूं, तो मैंने आज फिलिंग तैयार तुरंत नहीं किया है, मैंने सुबह में किया था और उसकी वीडियो थोड़ी सी मेरी कट गई थी, नहीं तो मैं वो भी मैं डाल देती। ये मेरी गोभी आलू का मसालेदार सब्जी है जिसमें मैंने पानी नहीं डाला, जिसे हम लोग नॉर्मल सब्जी बनाते हैं ना, बिल्कुल वही है। और ये सुबह बनाई थी, बच गई थी, किसी ने नहीं खाया था तो मैंने उसी की यहाँ पर फिलिंग तैयार करी है और बहुत ही टेस्टी लग रही थी। फ्रेंड्स, बच्चे मतलब सब्जी नहीं खाएंगे बट ये वाली रेसिपी आपकी फिनिश कर जाएंगे। तो मैंने क्या करा था, नॉर्मल से तेल जीरा डालकर गोभी आलू को भून दिया था और उबला हुआ आलू मैंने डाला था और उसके बाद मैंने प्याज वगैरह डालकर और बेसिक मसाले डाल दिए थे, धनिया पत्ती डाल दी थी और इसको नॉर्मल सब्जी ही बनाया था, कोई तामझाम नहीं किया था और उसी को मैंने बनाया था मॉर्निंग में। लेकिन बच्चों ने या फिर किसी बड़े ने भी इसको नहीं खाया था, दूसरी सब्जी थी उसको फिनिश कर गए थे, तो मुझे तो वेस्ट करने की आदत नहीं है। तो मैंने क्या किया कि इसको मैंने लिया और मैंने सोचा कि चलो इसको फिनिश तो करना ही है, तो मैंने इसको एक प्लेट में लेकर इसको अच्छी तरह से मसल दिया, मतलब एकदम क्रश कर दिया अच्छी तरह से। क्रश करने से क्या होता है कि एकदम स्मूथ सा हो जाता है, मतलब एकदम स्मूथ सा कर लेना है, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए। जैसे हम लोग आलू वगैरह की रोटी बनाते हैं, फिलिंग तैयार करते हैं, बिल्कुल उस तरह से कर लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से इसको मैश कर लिया, बचे हुए पार्ट को हाथ से भी इस तरह से उंगलियों से हल्के से अच्छे से तोड़ लूँगी ताकि जब भी मैं भरूँ तो किसी को पता नहीं चले कि ये गोभी आलू की सब्जी को ही मैंने भरा है। और विश्वास कीजिए फ्रेंड्स, मेरी इतनी अच्छी ये पराठे बने थे कि सभी लोग फिनिश कर गए, मतलब सब्जी थोड़ी सी थी मेरी तो ये पराठे कम ही पड़ रहे थे, लेकिन सबको मैंने लगभग उतने में ही दो दो बना कर दे दिया था। और यहाँ जो मैंने डो पहले लगा कर रखी हुई थी उसको मैंने लिया है, अच्छे से मिला लिया। आप देख सकते हैं मैंने इस डो को बहुत चिकना भी नहीं किया है, बस इसको अच्छे से मिला कर ले लिया है, बहुत मेहनत भी नहीं करनी है। सूजी में इस तरह के फिलिंग को डालकर बनाएं, यम्मी से यम्मी लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा यम लगता है। उसके बाद क्या करना है कि बड़ी सी लोई ले लेनी है, तो जैसे हम लोग दो रोटी बनाते हैं ना तो डेढ़ रोटी के बराबर आपको एक लोई ले लेनी है। और मतलब कि बड़ी कटोरी अपने अकॉर्डिंग बना ले, वैसे पराठा थोड़ा सा हैवी ही बनता है। और लोई को मैं आटे में जो डिप कर रही हूँ, तो मैंने चावल का आटा लिया है, चावल के आटे से जो सूजी होता है वो सेट हो जाता है, मतलब कि जब उसमें अगर आप सटाक कर उसकी लोई बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बन जाती है, क्योंकि वो थोड़ा खुरदुरा होने के कारण उसकी लोई बनानी आसान हो जाती है। जब देखिए ज़रूरत पड़ी मैं उसी आटे में चिपका दे रही हूँ आटा को और इस तरह से इसको इसके अंदर फिलिंग डालकर मैंने अच्छे से इसकी बड़ी सी बॉल बना ली है। फिलिंग अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भर सकते हैं, जिसको जितना पसंद हो, लेकिन थोड़ी सी मोटी रोटी बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट बनता है।
उसके बाद फिर से इसके अंदर फिलिंग डालने के बाद आपको लोई को आटे में डिप कर लेना है, चावल का आटा लेना है, ध्यान दें। उसके बाद आपको एक बड़ी सी रोटी बना लेनी है, मतलब इतनी बड़ी रोटी बनानी है कि पराठे फटे नहीं, हल्के से मतलब फट भी जाए लेकिन खिलने चाहिए, फूलने चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। आप देखिएगा मेरी यहाँ पर हल्की सी पतली सी हो गई एक जगह लेयर, बट मेरी पराठा फूली बहुत अच्छे से है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनती है, मैंने इसे सूजी से बनाया और सूजी को भी मैंने बहुत करा नहीं गूंदा है, आपने देखा कि मैंने सॉफ्ट सा डो लगाया है। तो सॉफ्ट डो लगाने पर निश्चित है कि आपकी रोटियाँ सॉफ्ट सॉफ्ट ही बनेंगी। तो आप सॉफ्ट सा डो लगाकर इस तरह की जो भी फिलिंग भरनी हो, जैसे आलू पराठा हो, आलू की मसालेदार सब्जी बच गई है तो उसे भर दीजिए, गोभी आलू की मसालेदार सब्जी बच गई है तो उसे भर दीजिए, या फिर मटर आलू की मसालेदार सब्जी है वो भी आप भर सकते हैं इसके अंदर अगर बच जाए तो, या फिर उसको भून कर भी नॉर्मली अच्छे से आप बना सकते हैं, जैसे गोभी पराठा, आलू पराठा, मटर पराठा, तो उस तरह से आप बना सकते हैं। लेकिन बची हुई चीज़ को आप इस तरह से यूज करेंगे तो काफ़ी यम्मी लगती है। आप चाहें तो, मैंने इसके अंदर गर्म मसाला नहीं डाला था जो मैंने मसाला भुना था, आप उसमें हल्का सा गर्म मसाला डाल दें ताकि फ्लेवर और अच्छे से उभर कर आ जाए। और इसको अच्छे से सेंक लेना है, अच्छे से सेंकने के बाद आपको क्या करना है कि एक चीज़ खास करनी है, जब आप इसको परोसिएगा तो उस समय आपको बटर जरूर लगा देना है। बटर से इसका टेस्ट बहुत ही यम हो जाता है, बच्चे बहुत ही स्वाद लेकर मतलब चाव से खाएंगे, मांग मांग कर खाएंगे। तो मेरे यहाँ भी सभी लोगों ने बहुत पसंद किया था, मांग मांग कर खा रहे थे। मैंने थोड़ी सी मतलब गोभी तो थोड़ी सी मेरी थी तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सब लोग को परोस दिया था, और मेरी जो सब्जी थी वो भी खत्म हो गई, किसी को पता भी नहीं चला कि मैंने मतलब पुराना वाला सब्जी को ही यूज कर लिया। तो इस तरह से बची हुई चीज़ों को भी आप पराठा में भर कर, आटे में भर कर पराठा बनाइए, उसमें थोड़ी सी बटर लगा दीजिए, थोड़ी सी चटनी धनिया की हो, थोड़ी सी सिरका वाली प्याज हो, अचार हो, टोमेटो सॉस हो, जिस चीज़ के साथ परोसना है परोस सकते हैं। मैंने धनिया की चटनी चटपटी सी और सिरका वाली प्याज के साथ मैंने परोसा था, सभी लोगों ने बहुत पसंद किया। तो एक रेसिपी तो खत्म हो गई, बन गई अच्छे से। अब थोड़ी सी जो आलू मेरी बची हुई थी उसी में से मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, और इसमें से दो रेसिपी तैयार करने के लिए मैंने छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लिए, हल्का हल्का सब में भर के मैंने इस तरह से इतने सारे बॉल्स बना लिए, जितनी मेरी आटे की मतलब सूजी की आटा बची हुई थी मैंने उसमें सब में भर दिया है। दूसरे साइड मैंने पानी को खोलने के लिए रखा हुआ था जब तक मैंने उसे तैयार किया था बॉल्स को। अब इस खोलते हुए पानी में सारे बॉल्स आपको डाल देने हैं, डालकर उबलने के लिए छोड़ देना है थोड़े टाइम के लिए, लगभग 2 मिनट बाद। फिर आपको हल्के हाथ से चला देना है ताकि ये पतीले में चिपके नहीं, वैसे आप खोलते हुए पानी में डालेंगे तो ये चिपकती नहीं है हल्के हाथ से चला देने पर। लगभग 2 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था ढककर, 2 मिनट बाद मैं इसे हल्का चला देती हूँ ताकि जो भी हल्की सी नीचे वाली एरिया पक गई होगी तो फिर पलटने पर दूसरी तरफ से भी अच्छे से पक जाएगी, और जब ये अच्छे से पक जाती है तो ये पानी के सतह पर तैरने लगती है। तो बस आपको हल्का एक बार स्टर दे देना है, चला देना है ताकि अच्छे से सभी चारों तरफ से ये अच्छे से पक जाए। तो फ्रेंड्स देखिए ये बिना चला ही पानी के सतह पर आने लगी है, तो चलिए मैं इसे हल्का सा चला देती हूँ, भाप हटाकर मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए पानी के सतह पर आने लगी है बिना चलाए ही, जब ये पककर हल्की हो जाती है तो पानी के सतह पर आ जाती है। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से ही बना सकते हैं बिना तेल मसाला के, और उस तरह से ही बना सकते हैं हल्के बटर तेल के साथ। तो फ्रेंड्स फिलिंग मैंने सेम डाली है दोनों के अंदर, तो आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई, दोनों तरीक़ों से बनाइएगा, दोनों अच्छी लगती है। सूजी के आटे में बनाइएगा, बहुत अच्छी लगती है, और जो भी रेसिपी आपको ज़्यादा पसंद आई हो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना टेस्ट बताइएगा कि किस तरह का टेस्ट इसका आया था और कैसी लगी थी, सब लोगों को कैसा लगा था। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय माता दी दोस्तों।